नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैंने नीम का पौधा लगाया है, अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि डांडी यात्रा में सम्मिलित होने वाला हो, आज रात्रि में भरूच पहुंचूंगा जहां नर्मदा मैया समुद्र में मिली है, वहां पूजन करूंगा, मैं पहले कभी यहां नहीं गया हूं। वहीं जलाभिषेक को लेकर बोले सीएम, मनरेगा की राशि से जल संरचना बनाई जाएगी ताकि पानी रोक सके। साथ ही कोरोना को लेकर सीएम ने अधिक से अधिक टीका लगाने के लिए लोगों से अपील की है। भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। कल दांडी यात्रा में मैं सम्मिलित होऊंगा। आज रात में नर्मदा मैया जहाँ समुद्र में मिली है, क्योंकि दांडी यात्रा और वो स्थान पास पास है, वहाँ पहुँच के नर्मदा मैया की भी पूजा अर्चना करूँगा। उस स्थान पर मैं कभी गया नहीं हूँ और दांडी यात्रा में मैं भाग लूँगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 75 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा और विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन एक नया संकल्प कि देश को हम और तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं, और दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा के पूरे देश को आज़ादी के लिए जागृत किया था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि उस यात्रा में मैं भी भाग लूं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।